नमस्कार साथियों, आज जो मैं सिद्धांत आपके लिए लाया हूं वो है आइजेंक की पर्सनालिटी थ्योरी। तो चलिए आइजेंक के व्यक्तित्व सिद्धांत को देखते हैं। आइजेंक का पर्सनालिटी थ्योरी व्यक्तित्व सिद्धांत आइजेंक का देख रहे हैं हम। Eysenck has proposed that personality could be reduced into continuum of two broad dimensions. Eysenck ने व्यक्तित्व को दो व्यापक आयामों की सातत्यता के रूप में प्रस्तावित किया है। तो यहां पे जब अगर हम देखें तो Eysenck ने सातत्यता ली है। उन्होंने जो पिछली थ्योरीज टाइप्स या ट्रेट्स की थी, जो प्रकार या अलग अलग तरह के शीलगुण थे, विशेषक थे, उनको ना बताकर एक कंटिन्यूम लिया। कंटिन्यूम जो है जंग के एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन से लिया गया एक कंसेप्ट था जो आइजेंक ने देखा, जो जंग ने हमें दिया था कि बहिर्मुखिता और अंतर्मुखिता के बीच में सातत्यता होती है व्यक्तित्व में, उसको इन्होंने चुना और उसके ऊपर काम करना शुरू किया। इन्होंने ये बताया कि दीज कंटिन्यूम्स आर बायोलॉजिकली एंड जेनेटिकली बेस्ड। ये जो सातत्यता है, ये आयाम है, इनका आधार जैविक भी होता है और आनुवांशिक भी होता है, और प्रत्येक डायमेंशन में, प्रत्येक आयाम में अनेक विशिष्ट विशेषक सम्मिलित हो सकते हैं। ईच डायमेंशन सबसम्स अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट्स। तो इन्होंने ट्रेट थ्योरी को भी लेने की कोशिश करी, विशेषकों को भी लेने की कोशिश करी और इसको पार्ट बताया इस कंटिन्यूम का। हम लास्ट में देखेंगे कैसे इन्होंने टाइप थ्योरी को और फिर कंटिन्यूम थ्योरी को और फिर ट्रेट थ्योरी को, तीनों को समर्ज कर दिया, तीनों को एक साथ बताने की कोशिश करी है और कैसे एक दूसरे के ऊपर आश्रित बताया है। तो इन्होंने तीनों ही प्रकार सिद्धांत, शीलगुण सिद्धांत और सातत्य सिद्धांतों के एक सम्मिश्रण को देने की कोशिश करी है अपने सिद्धांत के द्वारा। उन्होंने तीन आयाम युग्म दिए, क्लासिफाइड थ्री पेयर्स ऑफ डायमेंशंस। पहला अगर हम देखें तो न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, तंत्रिका तापिता बनाम सांवेगिक स्थिरता है। दूसरा हम देखें तो एक्स्ट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्सन, बहिर्मुखिता बनाम अंतर्मुखिता, इसकी सातत्यता है। और तीसरा अगर हम देखें तो साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशियबिलिटी, मनस्तापिता बनाम सामाजिकता, ये तीन तरह के आयामों की सातत्यता को देते हैं आइजेंक। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें, एक एक करके इनको देखें तो आता है सबसे पहला जो आयाम देखा हमने, तंत्रिका तापिता बनाम सांवेगिक स्थिरता, न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर हम इस सातत्यता की बात करते हैं तो इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच पीपल हैव कंट्रोल ओवर देयर फीलिंग्स। लोग किस मात्रा तक, किस तीव्रता तक, किस कोटि तक अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाते हैं, इसको इसके सातत्यता के माध्यम से दिखाया गया। एक अंत पर सांवेगिक स्थिरता है जो बिल्कुल स्थिर होते हैं संवेगों के तौर पर, दूसरी तरफ तंत्रिका की बहुत ज्यादा तापिता है, न्यूरोटिसिज्म है, द इंडिविजुअल कैन गेट इमोशनल इजिली, तो बहुत आसानी से सांवेगिक उद्वेलन आना या स्थिरता रहना, इसकी सातत्यता को ये दिखाता है। तो यहां अगर हम एक्सट्रीम डायमेंशन को देखें तो एट वन एक्सट्रीम ऑफ द डायमेंशन वी फाइंड पीपल हु आर न्यूरोटिक। एक आयाम पर, एक छोर पर तंत्रिका ताप से ग्रस्त लोग होंगे, दे आर एनेक्शियस, ये बहुत दुश्चिंता रखेंगे, मूडी, चिड़चिड़े होंगे, टची, अति संवेदनशील होंगे, रेस्टलेस, बेचैन होंगे और क्विकली लूज कंट्रोल, और बहुत जल्दी अपना नियंत्रण खो देंगे। तो यहां पे एक एक्सट्रीम पे जो न्यूरोटिसिज्म एक्सट्रीम है उसके ऊपर हमें ये दिखाई देंगे। सो पीपल हाई ऑन न्यूरोटिसिज्म tend to be anxious, they tend to be overreactive, sympathetic nervous system, and even with low stress, their bodies and emotional state tend to go into a fight or flight reaction. तो जो neuroticism एक एंड हमने देखा, इसके ऊपर जो लोग उच्च होते हैं वो चिंतित रहते हैं, अति सक्रिय अनुकंपी तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, जो sympathetic nervous system है जिसे हम SNS कहते हैं, ये overreactive होगा हमेशा इसका, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, यहां तक कि कम तनाव में भी इनका शरीर भावनात्मक स्थिति में एक फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया अवस्थिति में जा सकता है। तनाव कम भी होगा, छोटी सी बात पर भी ये फाइट और फ्लाइट रिएक्शन मोड में चले जाते हैं, प्रतिक्रिया अवस्थिति में चले जाते हैं। वहीं पर इसी तंत्रिका तंत्र, इसी सातत्यता के दूसरे अंत पर अगर हम देखें, एट द अदर एक्सट्रीम लाई पीपल हु आर काम, इवन टेम्पर्ड,
रिलायबल एंड रिमेन अंडर कंट्रोल। तो जो सांवेगिक रूप से स्थिर होंगे उनमें वो शांत होंगे, संयत स्वभाव होगा उनका, विश्वसनीय होंगे और स्वयं पर नियंत्रण रखने वाले होंगे। सो पीपल हाई ऑन स्टेबिलिटी टेंड टू नीड मोर सिमुलेशन टू एक्टिवेट देयर फ्लाइट और फाइट रिएक्शन एंड आर देयरफॉर कंसीडर्ड मोर इमोशनली स्टेबल। जो ये लोग हैं इनमें हमें क्या दिखाई देगा, इनमें हमें दिखाई देगा कि जिनमें स्थिरता बहुत उच्च होती है उनमें फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया को सक्रिय करने के लिए बहुत अधिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर माना जाएगा। वहीं नेक्स्ट हम अगर बात करें तो दूसरा जो हमने तत्व देखा वो था बहिर्मुखिता बनाम अंतर्मुखिता, एक्स्ट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन। इट रेफर्स टू डिग्री टू विच पीपल आर सोशली आउटगोइंग और सोशली विड्रॉन। किस मात्रा तक लोगों में सामाजिक उन्मुखता होगी अथवा सामाजिक विमुखता पाई जाएगी, समाज से दूर जाने की, समाज से अलग होने की प्रवृत्ति पाई जाएगी या समाज में रहने की, समाज के साथ घुलने मिलने की प्रवृत्ति किस तीव्रता की है, ये सातत्यता इसको बताता है व्यक्तित्व के अंदर। यहां पर भी अगर हम दो एक्सट्रीम्स देखें तो At one extreme are those who are active, gregarious, impulsive and thrill-seeking. जो extraversion होते हैं वो अति सक्रिय होंगे, युच्चरिता देखने को मिलेगी, gregariousness लोगों के साथ जुड़ने की, आवेग impulse देखने को मिलेगा, रोमांच के प्रति पसंदगी देखने को मिलेगी। वहीं पर जो ये extraversion है, people high on the trait of extraversion are sociable, outgoing and really connect with others. ये जो लोग हैं ये बहिर्मुखता के लक्षण उच्च रखेंगे, ऐसे लोग मिलनसार होंगे, बाहरी जाने वाले होंगे और आसानी के साथ दूसरों के साथ जुड़ते जाएंगे। तो यहां पर बहिर्मुखता में हमें ये देखने को मिलेगा। इससे विपरीत जब हम बात करें अंतर्मुखता की, पीपल हु आर पैसिव, क्वाइट, कॉशियस एंड रिजर्व्ड, ऐसे लोग निष्क्रिय, शांत, सतर्क और आत्म केंद्रित होते हैं। पीपल हु आर On the trait of introversion have a higher need to be alone, engage in solitary behaviors and limit their interactions with others. अंतर्मुखता के लक्षण वाले लोग अकेले रहेंगे, एकांत व्यवहार में संलग्न होंगे, दूसरों के साथ बातचीत को सीमित करने की हमेशा आवश्यकता महसूस होगी उनको, ऐसे लोग अंतर्मुखी दिखेंगे हमें। तीसरा आयाम हम देखें तो मनस्तापिता बनाम सामाजिकता, साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशियबिलिटी को हमें देखना है। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च कंडक्टेड आफ्टर दीज टू डायमेंशंस, आइजिंग प्रपोज्ड अ थर्ड डायमेंशन विच इज कंसीडर्ड टू बी इंटरेक्ट विद द अदर टू डायमेंशंस मेंशन्ड अबव। आइजिंक ने इसके पश्चात किए गए अनुसंधान कार्यों के आधार पर तीसरा आयाम दिया, मनस्तापिता बनाम सामाजिकता, और जो उपयुक्त दोनों आयामों से अंतर्क्रिया करता हुआ माना गया है। तो यहाँ पे हम जब देखेंगे कि जो रिसर्च किया, रिसर्च से बड़े सारे रिजल्ट्स निकले, उन रिजल्ट्स के बेसिस पे जो आइजिंक ने तीसरे आयाम का गठन किया, तो अगर इसमें देखें तो एट वन एंड वी आर साइकोटिसिज्म, एक पर्सन हु स्कोर्स हाई ऑन साइकोटिसिज्म डायमेंशन टेंड्स टू बी हॉस्टाइल, ईगोसेंट्रिक एंड एंटी सोशल। एक व्यक्ति जो मनस्तापिता के आयाम पे उच्च अंक प्राप्त करता है उसमें आवमक, अहम केंद्रण और समाज विरोधी होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो हम इसमें क्या देखेंगे, हम इसमें देखेंगे कि ये जो व्यक्ति है ये कैसा होगा, ये समाज विरोधी दिखेगा, ये बिल्कुल कहीं पे न जाने वाला दिखेगा, बिल्कुल अहम केंद्रित रहेगा, अपने आप में खोया रहा दिखेगा। सो पीपल हु आर हाई ऑन साइकोटिसिज्म टेंड टू बी इंडिपेंडेंट थिंकर्स, कोल्ड, नॉन कन्फर्मिस्ट, इंपल्सिव, एंटी सोशल एंड हॉस्टाइल। तो जो लोग होंगे वो हमेशा क्या दिखेंगे, वो स्वतंत्र विचारक होंगे, ठंडे होंगे, गैर वैज्ञानिक होंगे, आवेगी होंगे, असामाजिक होंगे, शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखेंगे। तो ये सारे लक्षण हमें साइकोटिसिज्म में पाए जाएंगे। इससे विपरीत जब हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं, सोशल कंट्रोल की बात करते हैं, सो पीपल हु आर हाई ऑन सोशलाइजेशन दे हैव द सुपर ईगो कंट्रोल, टेंड टू हैव हाई इंपल्स कंट्रोल, दे आर मोर अल्ट्रुइस्टिक, एम्पैथेटिक, कोऑपरेटिव एंड कन्वेंशनल। ऐसे लोग जो सामाजिकता पर उच्च होते हैं अक्सर सुपर ईगो नियंत्रण के रूप में संदर्भित किए जाते हैं, ये सुपर ईगो के नियंत्रण में रहते हैं ऐसा कहा जाता है। इनमें आवेग नियंत्रण हमेशा उच्च पाया जाएगा, बहुत अधिक पाया जाएगा, इस कारण से वो अल्ट्रुइस्टिक होंगे, परोपकारी होंगे, एम्पैथेटिक होंगे, दूसरों के साथ समानुभूति रखेंगे, कोऑपरेटिव होंगे, सहकारी होंगे, कन्वेंशनल होंगे, परंपरागत होंगे। तो ये चीज हमें देखने को मिलेगी इसमें। फिर हम बात करें आइजिंक, अकॉर्डिंग टू आइजिंक द टू डायमेंशन ऑफ न्यूरोटिसिज्म,
stable versus unstable, and introversion extraversion combined to form a variety of personality characteristics. अब Eysenck ये कहते हैं कि जो ये neuroticism है और extraversion introversion है, ये जो अंतरक्रिया करते हैं, ये मिलकर विभिन्न प्रकार की व्यक्तित्व विशेषताओं का निर्माण करते हैं. अब इन व्यक्तित्व विशेषताओं का निर्माण, उन्होंने ट्रेट्स को पहचानने की कोशिश करी, इसको इन्होंने चार प्रकारों में बांट दिया. यानी अब ये प्रकार की भी बात कर रहे हैं और ट्रेट्स की भी बात कर रहे हैं. ही क्लासिफाइड पीपल इनटू फोर टाइप्स, सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, मेलंकोलिक एंड क्लोरिक, ईच कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक बिहेवियरल फीचर्स, अ टाइपोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन फ्लूइड और ह्यूमर, अर्लियर प्रपोज्ड बाय ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स फ्रॉम सेंचुरी 460 टू सेंचुरी 370 BC. अब इन्होंने इस पूरे व्यक्तित्व को इन चार टाइप्स में बांटा जो कि अंतरक्रिया से मिल रहा है हमें. ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमने पहले भी देखा है, जो हिप्पोक्रेट्स ने दिया था 460 से 370 BC में. तो चार प्रारूप, कोपशील क्लोरिक, विवादी मेलंकोलिक, उत्साही सैंग्विन और स्लैश्मिक फ्लेगमेटिक, ये जो है ये व्यवहार परक विशेषताएं यानी बता रहे हैं ट्रेट्स, और ट्रेट्स का आधार व्यक्तित्व का प्रारूप विज्ञान जो कि फ्लूइड और ह्यूमर पर आधारित है, और इसे पहले हिप्पोक्रेट्स जो कि ग्रीक चिकित्सक थे उन्होंने प्रस्तावित किया था. तो इस अगर हम देखें क्लासिफिकेशन को, तो हम यहां क्या क्लासिफिकेशन देखते हैं, हम यहां क्लासिफिकेशन देखते हैं ये चक्र में, जिसमें हम क्या देखेंगे, मेलंकोलिक, क्लोरिक, फ्लेगमेटिक और सैंग्विन, ये चार हैं. हाई न्यूरोटिसिज्म और एक्स्ट्रावर्जन हमें क्लोरिक देता है. तो अगर आप देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्लोरिक कोपशील हमें कहां देखने को मिलता है, तो कोपशील हमें देखने को मिलता है जब न्यूरोटिसिज्म यानी मनस्तापिता अधिक हो. जबकि मनस्तापिता कम होगी तो बहिर्मुखता के साथ हमें क्या दिखाई देगा, सैंग्विन यानी उत्साही व्यक्तित्व. फिर स्लैश्मिक है अंतर्मुखिता के साथ, जब हम कम मनोस्थापिता देखेंगे, मनस्थापिता कम हो और व्यक्ति अंतर्मुखी हो तो स्लैश्मिक होगा, जबकि मनस्थापिता अधिक हो और व्यक्ति अंतर्मुखी हो तो हमें मेलंकोलिक देखने को मिलेगा. तब हमें क्या देखने को मिलेगा, विवादी व्यक्तित्व. यानी मनस्थापिता भी अधिक है और अंतर्मुखता भी है तो व्यक्ति विवादी हो जाता है, व्यक्ति मेलंकोलिक हो जाता है. अब कोपशील में लक्षण कैसे देखने को मिलते हैं, टची, रेस्टलेस, एग्रेसिव, एक्साइटेबल, चेंजेबल, इंपल्सिव, ऑप्टिमिस्टिक, एक्टिव, सक्रिय होता है, बहुत संवेदनशील होता है, बड़ी जल्दी से एग्रेसिव हो जाता है, बड़ा उत्साही रहता है, इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी. जबकि जब बहिर्मुखिता के साथ मनस्थापिता कम होती है तो व्यक्ति सोशलेबल हो जाएगा, उत्साही तो होगा लेकिन सामाजिक होगा, बहिर्मुखिता होगा, बहुत बात करेगा, हर बात पर रिस्पॉन्स देगा, बहुत आसानी से उपलब्ध होगा और आसानी से दोस्ती कर लेगा, केयरफ्री दिखेगा, लीडरशिप लेके आएगा. वहीं मनस्तापिता कम और इंट्रोवर्जन होता है तो पैसिव, निष्क्रिय हो जाता है, बहुत ध्यान पूर्वक चलने वाला हो जाता है, बहुत ज्यादा सोचने लगता है, अपने ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल है. ऐसे लोगों को रिलाय बहुत आसानी से किया जा सकता है क्योंकि ये बहुत हद तक आपके पीछे खड़े रहेंगे, बिल्कुल शांत स्वभाव देखने को मिलेगा. जबकि इंट्रोवर्जन के साथ मनस्तापिता अधिक हो तो मूडी, कभी भी कोई सा मूड हो जाएगा, हमेशा घबराहट रहेगी, एनेक्साइटी रहेगी, दुश्चिंता रहेगी, कठोर होंगे, सोबर होंगे, पैसिमिस्ट, हमेशा नकारात्मकता रखते होंगे, रिजर्व रहेंगे, कभी समाज में नहीं रहेंगे और बहुत शांति दिखाई देंगी देगी इनमें. तो ये हमें क्या है, ये चार तरह के व्यक्तित्व दिखाई देते हैं जब हम हाई न्यूरोटिसिज्म
से लो न्यूरोटिसिज्म की सातत्यता देखते हैं और एक्स्ट्रावर्जन से इंट्रोवर्जन को देखते हैं। तो चार तरह के व्यक्तित्व, जब मनस्तापिता अधिक से कम मनस्तापिता तक, बहिर्मुखता से अंतर्मुखता के सातत्यता आपस में अंतर क्रिया करती है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये सिद्धांत आपको समझ आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जो लोग इस वीडियो को देख रहे थे उन सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।